नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। साल 2019 ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी मंदी भरा रहा है और उसी का असर इस साल के पहले दो महीनों में भी आपको गाड़ियों के सेल्स फिगर में देखने को मिला है, जिसमें काफ़ी उथल पुथल हुई है। कई सारी गाड़ियों की पोजीशंस में बदलाव देखने को मिले हैं और कुछ तो टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर हो गई हैं, वहीं कुछ न्यू एंट्रीज ऐड हुई हैं। तो चलिए जानते हैं फरवरी के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में, जिसमें 10 में से कुल मिलाकर 7 गाड़ियां केवल इकलौती मारुति की तरफ से हैं। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत पे 10वें नंबर पर आती है मारुति की एंट्री लेवल सेगमेंट की मारुति एस्प्रेसो। फरवरी के महीने में इसकी कुल मिलाकर 9578 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,70,500 रुपये से शुरू होकर 4,99,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 9वें नंबर पर आती है ह्यूंडई की वेन्यू। फरवरी के महीने में इसकी कुल मिलाकर 10,321 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,55,000 रुपये से शुरू होकर 11,15,500 रुपये तक की मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 8वें नंबर पर आने वाली गाड़ी की, जो फिर से एक बार ह्यूंडई की तरफ से है, वो है ग्रैंड आई10 नियोस। फरवरी के महीने में इस गाड़ी की पूरे भारत में कुल मिलाकर 10,407 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,05,000 रुपये से शुरू होकर 8,04,500 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में अगली गाड़ी है जो फरवरी के महीने में पूरे भारत में 7वें नंबर पर आई है, वो है मारुति की इको। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 11,227 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,90,800 रुपये से शुरू होकर 6,94,000 रुपये तक की मिल जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार की, जो फरवरी के महीने में पूरे भारत में 6ठे नंबर पर आई है, वो है मारुति की अर्टिगा। फरवरी के महीने में पूरे भारत में मारुति अर्टिगा की 11,782 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको 7,59,000 रुपीज़ से शुरू होकर 11,21,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में फरवरी के महीने में 5वें नंबर पर आई है किया की सेल्टस। फरवरी के पूरे महीने में भारत में इस गाड़ी की लगभग 14,024 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,89,000 रुपीज़ से शुरू होकर 16,29,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में फरवरी के महीने में 4ठे नंबर पर आने वाली गाड़ी फिर से एक बार मारुति की बलेनो है। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी 16,585 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,63,602 रुपये से शुरू होकर 8,96,112 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में फरवरी के महीने में 3रे नंबर पर आई है मारुति की ऑल्टो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में मारुति ऑल्टो की 17,921 यूनिट्स ही बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 2,99,800 रुपये से शुरू होकर 4,41,300 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में फरवरी के महीने में 2रे नंबर पर आई है मारुति की वैगनार। फरवरी के महीने में पूरे भारत में मारुति वैगनार की कुल मिलाकर 18,235 यूनिट्स बिकी हैं। वैगनार की मेरी पुरानी वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, लगभग 3 लाख के करीब उस पर व्यूज़ आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से वैगनार आपको मिलती है 4,50,500 रुपये से शुरू होकर 5,99,800 रुपये तक। और अब बात कर लेते हैं फाइनली उस गाड़ी के बारे में जो फरवरी के महीने में पूरे भारत में नंबर 1 पर आई है, वो है मारुति की स्विफ्ट। फरवरी के महीने में पूरे भारत में स्विफ्ट की 18,696 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,19,000 रुपये से शुरू होकर 8,84,000 रुपये तक मिल जाती है। कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियाँ जो फरवरी के महीने में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में शामिल हुई हैं।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा।